फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। आपको आज कुछ नया नया लग रहा है? हाँ, नया इसलिए कि आज मैं आपके लिए कर रही हूँ टैरो रीडिंग। कल का वैलेंटाइन आपका कैसा रहेगा? अगर आपका वैलेंटाइन नया है, एक महीना मान लो आपको करीब करीब हुआ है अगर एक दूसरे को जानते हुए, और कल आप वैलेंटाइन कर रहे हैं उनके साथ, तो आपकी वैलेंटाइन कैसी रहेगी ये कार्ड उसके लिए। अगर आपका वैलेंटाइन ऑलरेडी बहुत ही पुराना रिश्ता है तो ये आपको सिर्फ मदद कर सकता है, लेकिन आपके लिए ये रीडिंग उतना मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आपका वैलेंटाइन नया नया है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो बड़ी गौर से देखिए, क्योंकि आपको सिलेक्ट करने हैं अपने कार्ड जिसके बेस पर क्वेश्चन और आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कार्ड को शफल किया है, मैंने मेजर अरकाना ही लिए, माइनर यहां है, कार्ड को मैंने कर दिया है स्प्रेड। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूं, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है। 1, 2, 3 कार्ड को मैंने सिलेक्ट किया है। एक पे मैंने मैजेंटा स्टोन रखा है, एक पे येलो, एक पे ब्लू। अगर आप मैजेंटा सिलेक्ट कर रहे हैं, येलो सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्लू सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई भी एक कार्ड आपको तीनों में से सिलेक्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कल का वैलेंटाइन आपका कैसा रहेगा। अगर आपका वैलेंटाइन बिल्कुल नया नया है, मान लो एक महीना पुराना है, और अगर बहुत पुराना रिश्ता है तो आपको सिर्फ मदद मिल सकती है। तो आइए देखते हैं हमारा कल का वैलेंटाइन कैसा रहेगा अगर आपने सिलेक्ट किया है मैजेंटा स्टोन। वाओ, आपका आया है द एम्प्रेस। आप देख सकते हैं मेजर अरकाना द एम्प्रेस आया है, इसका मतलब आप राज करने वाले हैं। कल वैलेंटाइन आपका बहुत सुखद होगा, बहुत मजेदार रहेगा, और आप राज करने वाले हैं। चाहे आप लड़का हैं या लड़की, आपका वैलेंटाइन फर्स्ट क्लास रहेगा। और उसमें भी अगर आप ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो और भी, ऑरेंज नहीं है तो रेड भी चलेगा, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन पहन के अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कल का वैलेंटाइन, अगर आपने मैजेंटा स्टोन सिलेक्ट किया था। तो हमारा ये रीडिंग कम्प्लीट है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ येल्लो स्टोन। अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपका वैलेंटाइन कैसा रहेगा। द टावर, ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, बट डोंट लूज हार्ट। अगर आपका ये आ रहा है इसका मतलब थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा आपका वैलेंटाइन कल। हो सकता है थोड़ी नोकझोंक हो जाए, आपको मनाना पड़े, हो सकता है वो ना भी माने, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये टावर है, द कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन एज यू कैन सी। लेकिन आप टूटना नहीं, जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है आपको, आप मत टूटना। और जहां तक हो सके क्रीम शेड का ड्रेस अगर आप पहन के जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप देख सकते हैं, आई एम सॉरी टू से, पर थोड़ा संभल कर आपको रहना है अगर आपने येलो सिलेक्ट किया है। अगर आपने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपका वैलेंटाइन कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत सोच समझकर आप वेंचर कीजिए, आगे बढ़िए रिलेशनशिप में। थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव इमोशन के साथ आपको जाना है तो आपका वैलेंटाइन सक्सेसफुल रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा मेडिटेट करके, थोड़ा मन से तैयार होकर इस फेथ के साथ जाना है कि मेरा वैलेंटाइन अच्छा ही रहेगा। जहां तक हो सके आप रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन पहन के जाइए तो आपके लिए वैलेंटाइन बहुत ही सुखद रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप मन पे मत लेना, बहुत हद तक ये बात सही पड़ सकती है, कुछ फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है केस, लेकिन ये आपको मदद करेगा। जो कलर्स मैंने आपको बताया अगर आपने वो पहने तो जरूर आपका वैलेंटाइन संभल जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड जो मैजेंटा स्टोन वाला था वो तो बेस्ट आया, बाकी थर्ड भी ठीक था, बीच वाला येलो वाला थोड़ा प्लीज केयरफुल रहिए। और आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे टुमारो। बाय बाय, सी यू सून। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप किस तरह की रीडिंग चाहते हैं, मैं उस तरह की रीडिंग के साथ आती रहूंगी डे टू डे।